नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश भर के विभिन्न ट्रिब्यूनलों में पद खाली है। ऐसे में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आगाह करते हुए कहा कि अगर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो अदालत केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों को तलब करेगी। सभी ट्रिब्यूनल्स में भारी रिक्तियों पर चिंतित शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यह खेदजनक स्थिति है। ऐसा लगता है कि आप सभी ट्रिब्यूनल्स को बंद करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि मैंने ट्रिब्यूनल और रिक्तियों के नाम दिए, कृपया एक सप्ताह के भीतर एक स्टैंड ले और अदालत को रिपोर्ट करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम देश भर के सभी शीर्ष अधिकारियों को हमारे सामने पेश होने के लिए बुलाएंगे। जिस पर एसजी मेहता ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं होगी, कृपया हमें 10 दिन का समय दें। कोर्ट ने सहमति जताते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख तय की। अदालत ने पदों के खाली होने की वजह से ट्रिब्यूनलों के कामकाज को पंगु बनाने और लोगों को कानूनी उपायों से दूर करने पर गहरी नाखुशी जाहिर की। पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने ट्रिब्यूनल में सभी रिक्तियों को भरने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सदस्यों और अध्यक्षों की बड़ी संख्या में रिक्तियां और उन्हें भरने में होने वाली अत्यधिक देरी के कारण न्यायाधिकरणों का नुकसान हो रहा है। अपने सहमति वाले फैसले में कहा कि यह आवश्यक है कि केंद्र सरकार तेजी से और प्रभावी न्याय वितरण सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों में नियुक्तियों की प्रक्रिया में तेजी लाए। ऐसे में एक बार फिर से मोदी सरकार को ट्रिब्यूनलों में खाली पद को भरने के निर्देश जारी किए। ऐसे में देखना होगा कि कब तक सरकार ये नियुक्तियां करती है। इस खबर में फिलहाल इतना। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।